आज हम लोग कक्षा 11वीं का मैथ का चैप्टर 3 इसका 3 एक्सरसाइज इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चनों को हम लोग सीरियल की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन इज इक्वल टू 3/5 और कॉस बी इज इक्वल टू 12/13 तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या सबसे पहले दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, कॉस बी इक्वल टू 12/13। तो इसके पहले हमें, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी होता है, तो हमको साइन ए के साथ में कॉस ए का भी मान मालूम होना चाहिए और इसके साथ में साइन बी का मान हमको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन ए दिया तो इसको कॉस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास √1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं ये, तो 1 माइनस 3/5 स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा 9/25। तो इसमें करेंगे 25 माइनस 9/25, तो वैल्यू आएगी 16/25। इसका जब हम वर्गमूल यहाँ लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 4/5 आ जाएगी, यानी कॉस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ 4/5। इसी प्रकार जो इसमें जो दिया हुआ है कॉस भी, हम इसमें साइन भी निकालेंगे, तो साइन भी निकालने के लिए हमको √1 माइनस कॉस स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 12/13। तो इसको जो वैल्यू ये हो जाएगी 144, यानी इसका स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, यानी 169। सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 4/169। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 5/25/169। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/13 आ जाएगी, यानी जो वैल्यू है साइन बी क्यू आ जाएगी, इसमें 5/13 आएगा। इसमें फार्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस साइन ए प्लस बी लिखेंगे यहाँ, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम यहाँ इनकी वैल्यू को रख देंगे, तो साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3/5 इंटू कॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया 12/13 प्लस, और कॉस का जो वैल्यू 4/5 है, और साइन बी का जो वैल्यू है ये वैल्यू 5/13 है, हो जाएगा 32/36 और 13/65, फिर 5 को 20 बटे 13/65। इसको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36/20/65, में आ जाएगा जोड़ेंगे तो 56/65। ये आगे साइन ए प्लस बी की वैल्यू आएगी। अब हमको इसमें कॉस ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ए माइनस बी का ये, तो इसको देखेंगे यहाँ, तो कॉस ए माइनस बी ये यहाँ इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान देना, यदि माइनस में तो ये बीच में प्लस का साइन है, और यदि यहाँ प्लस में तो ये बीच में माइनस साइन का है, यहाँ को ध्यान देना, बाकी साइन में कोई परिवर्तन, यदि प्लस हो तो प्लस ही रहेगा, माइनस हो तो माइनस रहेगा। इसको यहाँ देखेंगे कॉस ए का जो वैल्यू पर दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, ये 4/5 है, और कॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास 12/13 है, प्लस साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, और जो साइन बी का जो वैल्यू दिया हुआ 5/13 है, इसको जोड़ेंगे दिया जाएगा 12/48/13/65 प्लस 15/65, जोड़ों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसमें 8/12/13 63/65। वैल्यू आ जाएगी कॉस
ए माइनस बी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं सेकंड नंबर एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, यदि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 3/5 और टेन ए टेन बी इक्वल टू 2, तो सिद्ध करो कि कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1/5। ये हमको इसमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 3/5, इसका जो फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसमें से क्या करेंगे हम वैल्यू यदि कॉस ए कॉस बी यदि कॉमन करते हैं यहाँ से यदि बाहर खड़े तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी तो यहाँ तो वन आ जाएगी, यहाँ इसको हमको टेन फॉर्म में लिखना पड़ेगा यानी साइन बटे कॉस में लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा टेन ए टेन बी इक्वल टू 3/5। अब टेन ए टेन बी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी 1+2 इक्वल टू 3/5, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, ये 3 हो जाएगा 3/5। इसको इधर डिवाइड कर देंगे 3 को, इसमें हो जाएगा कॉस ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा 3/5 × 3, ये हो जाएगा कट, तो वैल्यू हो जाएगी कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 1/5। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें को सिद्ध करना है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इक्वल टू 0। आपको सिद्ध करना है यहाँ, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू फाइंड करें, पहले क्या करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इन सभी की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद इनको प्लस करेंगे, तो हमको इसकी वैल्यू 0 लाना है उसके बराबर। तो क्या करेंगे यहाँ पास, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इसका इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। इसको सेपरेट करने अलग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये कॉस बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जो वैल्यू है कॉस से कैंसिल होगा, तो बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन
कॉस बी, और इसको लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे टेन ए माइनस टेन बी है, इसी प्रकार यहाँ टेन बी माइनस टेन सी आएगा और यहाँ टेन सी माइनस टेन ए आएगा। तो अब इसको देखेंगे, इसी प्रकार साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी, कॉस इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहे हैं टेन बी माइनस टेन सी एवं साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इक्वल टू टेन सी माइनस टेन ए। अब इसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन ए। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा जीरो और यही अपना राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ऐसे में क्वेश्चन नंबर एक टेन है, हमको यहाँ सिद्ध करना है प्रूव दैट कॉस नाइन एंड नाइन डिग्री प्लस साइन नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री माइनस साइन नाइन डिग्री इक्वल टू टेन फिफ्टी फोर डिग्री। इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा कॉस नाइन डिग्री प्लस साइन नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री माइनस नाइन डिग्री। इसमें क्या करेंगे, आंसर हर में कॉस नाइन डिग्री का डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री प्लस साइन नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री माइनस साइन नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री। ये हो जाएगी वन हो जाएगा, वन प्लस टेन में बदल जाएगा टेन नाइन डिग्री अपॉन वन माइनस टेन नाइन डिग्री। इसको लिख सकते हैं वैल्यू को, वन यानी टेन पैंतालीस डिग्री का मान वन होता है प्लस टेन नाइन डिग्री अपॉन टेन पैंतालीस डिग्री माइनस नाइन डिग्री। और इसको लिखा जा सकता है टेन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस नाइन डिग्री, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा टेन फिफ्टी फोर डिग्री, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो भी वैल्यू दिया रहेगा हमको उसमें कुल कॉस को भाग कर देना है, फिर जो भी वहाँ हमेशा वन ही आएगा तो उसको टेन पैंतालीस में कन्वर्ट करके दोनों को यदि प्लस करेंगे तो हमको इस प्रकार फार्मूले क्रम संख्या वहाँ मिल जाएगी। इसी में क्वेश्चन नंबर एक ट्वेल्व क्वेश्चन है, इसमें दिया है यदि टेन ए इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन और
टेन बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू एन प्लस वन, तो सिद्ध करो कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू वन। इसको सिद्ध करेंगे ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। जी आप यहाँ वैल्यू रख देंगे, जो टेन ए की वैल्यू दिया हुआ है, टेन ए में वैल्यू दिया हुआ है आपके पास एन अपॉन एन प्लस वन, टेन बी की वैल्यू दिया हुआ है वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन टू एन प्लस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा ये एन प्लस वन टू एन प्लस वन, इसका एलसीएम आएगा, ये कैंसिल होगा तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ आएगी एन इंटू टू एन प्लस वन प्लस ये टू एन प्लस वन, ये कैंसिल होगा तो ये एन प्लस वन आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन। यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एन प्लस वन टू एन प्लस वन और माइनस एन, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एन टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन। ये यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगी वैल्यू ये वाली, इसको ले सकते हैं टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टू एन प्लस वन। अब इसको इसके यहाँ ये जो संख्या इसको लिखना पड़ेगा यहाँ भाग के रूप में कि यानी इसको एन प्लस वन टू एन प्लस वन, हम क्या करेंगे ये जो संख्या है इसको इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे, जो फॉर्म में लाएंगे ये हर आंसर तो हर आंसर बन जाएगा, आंसर इसका हर बन जाएगा, तो यहाँ इसको लिखेंगे एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन ये संख्या लिखेंगे यहाँ टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, यानी ये संख्या कैंसिल हो जाएगी यहाँ और ये वैल्यू भी यहाँ वन आ जाएगा, तो यहाँ हो सकती है ये वैल्यू हो जाएगी टेन ए प्लस बी इक्वल टू वन, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, टेन प्रूफ दैट सिद्ध करना टेन सेवन ए प्लस टेन फोर ए टेन थ्री ए इक्वल टू टेन सेवन ए माइनस टेन फोर ए माइनस टेन थ्री, इसको हमको सिद्ध करना है, तो इसको यहाँ टेन सेवन ए इसको लिखा जा सकता है टेन फोर ए प्लस थ्री ए, ये हो जाएगा टेन फोर ए प्लस टेन थ्री ए अपॉन वन माइनस टेन फोर ए टेन थ्री ए। अब इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन सेवन ए इंटू वन माइनस टेन फोर ए टेन थ्री ए इक्वल टू टेन फोर ए प्लस टेन थ्री ए।
इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा टेन सेवन ए माइनस टेन सेवन ए टेन फोर ए टेन थ्री ए इक्वल टू टेन फोर ए प्लस टेन थ्री ए। इसको यहाँ इसको इधर पक्षांतर करने के बाएं तरफ इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी टेन सेवन ए माइनस टेन फोर ए माइनस टेन थ्री ए। जब इसको हम बाएं तरफ लाएंगे इसका सब प्लस से इसका माइनस चिन्ह हो जाएगा और जब इसको इधर ले जाएंगे इसको तो आ जाएगा टेन सेवन ए टेन फोर ए टेन थ्री ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टेन सेवन ए टेन फोर ए टेन थ्री ए इक्वल टू टेन सेवन ए माइनस टेन फोर ए माइनस टेन थ्री ए। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दो कोणों के साइन या कोसाइन का योगत्व अंतर। दो कोणों के साइन या कोसाइन के योग अथवा अंतर। इसमें कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले इसमें जो हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। इसी प्रकार कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू और कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग क्वेश्चनों को ले रहे हैं थ्री एच प्रश्नावली से। हम लोग सिवराल के बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है इसमें इसमें को सिद्ध करना है प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन टू ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस टू ए इक्वल टू कॉट ए अपॉन टू। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं LHS साइन ए प्लस साइन टू ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस टू ए। यहाँ लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन ए प्लस बी यानी ए प्लस टू ए अपॉन टू। इसी प्रकार कॉस ए माइनस टू ए अपॉन टू। यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में लगाएंगे हो जाएगा
टू साइन ए प्लस टू ए अपॉन टू साइन टू ए माइनस ए अपॉन टू। तो इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये संख्या बचेगी कॉस यानी कॉट, ये हो जाएगा कॉस बटे साइन यानी कॉट। तो कॉट ए माइनस टू, तो माइनस ए बाई टू, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाई टू, और कॉट ए माइनस माइनस ए अपॉन टू को लिख सकते हैं कॉट ए बाई टू। यहाँ जो वैल्यू है ये जो जैसे यहाँ देखते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, तो ये वैल्यू जैसे माइनस ए तो ये प्लस ए हो जाएगा, और ये ए तो है ही है ना, तो यहाँ जिसको हम ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी कॉट ए बाई टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये अपना क्या है राइट हैंड साइड है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक है, सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसमें को सिद्ध करना है कॉस थ्री अल्फा माइनस कॉस फाइव अल्फा अपॉन साइन फाइव अल्फा माइनस साइन थ्री अल्फा इक्वल टू टेन फोर अल्फा, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉस थ्री अल्फा माइनस कॉस फाइव अल्फा अपॉन साइन फाइव अल्फा माइनस साइन थ्री अल्फा। तो यहाँ लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा टू साइन थ्री अल्फा प्लस फाइव अल्फा अपॉन टू साइन फाइव अल्फा माइनस थ्री अल्फा अपॉन टू साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा टू कॉस फाइव अल्फा प्लस थ्री अल्फा अपॉन टू साइन फाइव अल्फा माइनस थ्री अल्फा अपॉन टू। तो यहाँ जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा टू टू भी कैंसिल हो जाएगी, यानी साइन बटे कॉस इसको लिख सकते हैं साइन पाँच और तीन आठ तो दो चौक को आठ, यानी हो जाएगा फोर अल्फा अपॉन, यहाँ भी हो जाएगा पाँच तीन आठ और दो चौक को आठ, ये हो जाएगा कॉस फोर अल्फा, इसको लिख सकते हैं टेन फोर अल्फा। और ये अपना क्या है राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक 16 है, इसमें हमको सिद्ध करना है प्रूव दैट कॉस पाई अपॉन एट प्लस कॉस थ्री पाई अपॉन एट प्लस कॉस फाइव पाई अपॉन एट प्लस कॉस सेवन पाई अपॉन एट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा कॉस पाई अपॉन एट प्लस कॉस थ्री पाई अपॉन एट कॉस फाइव पाई अपॉन एट प्लस कॉस सेवन पाई अपॉन एट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें
इसको और इसको पहले प्लस करेंगे, एक इसको जोड़ा बना लेंगे इसका कॉस 7 प्लस 1 का, इसी प्रकार कॉस 5 प्लस कॉस 3 का भी हो जाएगा इसमें कॉस 7 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस पाई अपॉन 8 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 8 और इसको लिख सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, कहीं फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2 कॉस 1 बाई 2 7 पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 8 कॉस 1 बाई 2 7 पाई अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 8 प्लस 2 कॉस 1 बाई 2 5 पाई अपॉन 8 प्लस 3 पाई अपॉन 8 कॉस 1 बाई 2 5 पाई अपॉन 8 माइनस 3 पाई अपॉन 8 इसको देखेंगे जिसमें वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस ये हो जाएगा 7 1 8 आ जाएगा 8 अपॉन 8 1 यानी पाई अपॉन 2 यहाँ वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 2 इंटू कॉस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6 यानी हो जाएगा कॉस 1 बाई 2 ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन 8 इसी प्रकार इसमें प्लस ये कॉस 5 प्लस 3 8 यानी 8 पॉइंट 1 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं यहाँ 2 कॉस पाई अपॉन 2 और ये हो जाएगा कॉस 5 से 3 घटाएंगे 2 आएगा तो 2 चौक 8 यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 2 टू पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 8 सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 की पहले 0 आ जाए पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी यहाँ पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा अपना राइट हैंड साइड। इस प्रकार से क्वेश्चनों का हमें सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3G के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे एक व्हाट्सएप नंबर है 9424984432। यदि आप कोई दिक्कत हो उसमें आप मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। हम यहाँ चारों क्लास का वीडियो बना रहे हैं 9th, 10th, 11th, 12th मैथ का। तो यदि आपके संपर्क में कोई हो तो उसको बताइएगा जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।